आज का टॉपिक है सपोर्ट रेजिस्टेंस, है ना। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे वर्क करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस होते क्या है। ये क्या होता है, अपसाइड में होता है, वो होता है रेजिस्टेंस। डाउन साइड में होता है, उसको बोलते हैं सपोर्ट। ये क्लियर है। हाँ अब जैसे आप बिगनर हो, मार्केट ये एक रेंज है ना, ये भी लिख दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, ये क्या है, एक रेंज है, कुछ भी हो सकती है, 100 पॉइंट की, 200 पॉइंट की, है ना। ये एक रेंज है, मार्केट इसमें घूम रहा है, एक रेंज में, यहां से मार्केट आया नीचे से, एक बार ऊपर रेजिस्टेंस पे गया, फिर सपोर्ट पे आया, फिर रेजिस्टेंस पे आया, फिर सपोर्ट पे, फिर रेजिस्टेंस, ऐसे मार्केट घूम रहा है। ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गए। रेजिस्टेंस, मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ना। ये क्या है, सपोर्ट ये सपोर्ट है। ये अब मार्केट हमेशा ऐसा नहीं होगा, इसी को टच करके आए, ऊपर भी इसको टच करके आए, कभी थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, कभी यहीं से भी बैक हो जाएगा, कभी यहां से भी हो जाएगा, मार्केट वेव में चलता है हमेशा, है ना। ठीक है, अब जब तक, अब आप बिगनर हो, जब तक 3 बार फेस नहीं करता, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मत मानना उसको, जैसे ये 1 टाइम हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, क्लियर है ये। हाँ अब ये मार्केट इस जोन में चल रहा है, जब से ट्रेड कर रहा है मार्केट इस जोन में, एक ही जोन है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, अब इसी को मार्केट बार बार फेस कर रहा है, या तो ऊपर भी जाएगा या नीचे भी जाएगा, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ है ना। अब जैसे मार्केट में पहले ट्रेंड देखते हैं, आप ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप तीन टाइप के, है ना, कौन कौन से होते हैं, एक होता है साइडवेज, एकदम साइडवेज मार्केट, एकदम साइडवेज कैसे होता है, साइडवेज ये होता है, मार्केट एक जोन है, जैसे ये जोन है, इसी में टाइम स्पेंड करेगा मार्केट, ये जोन में मार्केट इसी में टाइम स्पेंड करेगा। हेलो घर, हाँ अब मार्केट ये हो गया साइडवेज, ये समझ में आया, साइडवेज एक ही जोन में ही मार्केट घूमता रहेगा, थोड़ा बाहर भी निकला फिर अंदर आ गया, मतलब साइडवेज है, ना ऊपर निकल रहा ना नीचे जा रहा, वही एक ही रेंज में घूम रहा है, ये कौन सा ट्रेंड हो गया, साइडवेज। मतलब सर उसमें वो मतलब इसमें ये करेगा क्या, एक ही साइड एक ही जोन में ये करेगा, मतलब एक ही रेंज में घूमेगा उसके आसपास। हाँ एक ही जोन में ही घूमता रहेगा, वहीं पे टाइम निकालेगा अपना,
दूसरा कौन सा होता है? अप ट्रेड। अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में मार्केट क्या करेगा? हमेशा नया हाई बनाएगा। मार्केट ऐसे निकला और नीचे आया, हमेशा नया हाई बनाएगा। हायर हाई बनाता जाएगा और लोअर हाई, ठीक है? ये इससे ऊपर आई होगा, ये इससे ऊपर होगा, ये इससे ऊपर, ये इससे ऊपर, ये लोअर आई होगा, ये इससे ऊपर लो होगा, ये इससे ऊपर, ये इससे ऊपर, ये इससे ऊपर, ऐसे। ये आया समझ में? आ गया। रिटर्न तीसरा कौन सा होता है? डाउन अच्छा ट्रेंड। तीसरा डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड उसमें मार्केट क्या करेगा? एक लोअर लो बनाएगा। मार्केट ये जोन में चल रहा है, एक नया लो बनाएगा। ऐसे है ना? अच्छा अब ये तीनों ट्रेंड पहले डाउन अच्छा ये तीन ट्रेंड होते हैं ना, डाउन ट्रेंड, हाँ ठीक ये अपना माइक म्यूट कर लो जिसकी आवाज आ रही है, जब बोलना हो क्वेश्चन कुछ पूछना हो जब ऑन कर लेना। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? हो गया ठीक है। अब जैसे मार्केट, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट, है ना? ये एक जोन है, मार्केट इसमें घूम रहा है, इस जोन में घूम रहा है मार्केट। ये कौन सा ट्रेंड है? साइडवेज। साइडवेज है ये? हाँ साइडवेज जी ठीक। बराबर है सर। अब जैसे सर मार्केट, ये साइडवेज में अभी अभी जो बताया तो वो बताओ एक बार फिर से ड्रॉप करो। ये जोन है, रेंज है, मार्केट इसमें टाइम स्पेंड कर रहा है। मतलब सर इसमें ये जो साइड बेस था ये कर रहा है इसमें जो मार्केट है ये मतलब इसका ये नहीं होता कि मतलब इसको कैसे आइडेंटिफाई हाँ मतलब ज्यादा, स्पेसिफिक रेंज होती हाँ ज्यादा बड़ी रेंज नहीं होती, एक ही रेंज में घूमता रहता है। अब ये आगे वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें समझाऊंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम, ये डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, साइडवेज है। साइडवेज में हमेशा कभी भी ट्रेड ऑप्शन बायर को नहीं लेना चाहिए, ओनली प्रीमियम डीके होता है वहां पे। ठीक है। अब ये है अप ट्रेंड, मार्केट ऐसे आया, ये कौन सा ट्रेंड हुआ? ये अप ट्रेंड है। ये हमेशा लोअर हाई बनेगा, है ना? पिछला लो होगा उससे ऊपर ही बनेगा दूसरा लो, है ना? जो हाई होगा वो पिछले हाई से ऊपर बनेगा। ये कौन सा हो गया? ये अप ट्रेंड अप ट्रेंड मतलब मतलब बोलो। अभी जो हायर है बना है उसमें मतलब एक स्पेसिफिक एक रेंज के एक रेंज पे रुकता है उससे ज्यादा मतलब रेंज बनाता है हाँ मतलब जैसे वो कीमत जैसे, हाँ कीमत फॉर एग्जांपल बताओ उसमें मतलब 75 वो क्या आगे जाता है तो फिर 100 तक जाता है फिर वो नीचे आता है हाँ अभी वो वो बताऊंगा, है ना? वो ठीक है। कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। जैसे ये है डाउन ट्रेंड,
मार्केट हर बार नया लो बनाएगा, जब भी बनाएगा एक लो बनाएगा, टाइम स्पेंड कर रहा है यहाँ पे फिर बनाएगा लो बनाएगा, है ना। तो ये रेजिस्टेंस हर बार कैसा होता जाएगा बताओ कोई। लोअर हाई, ये लोअर लो, लोअर लो बनेगा था। ये लोअर लो, ये तीनों क्लियर हुए, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, साइडवेज। हाँ ठीक, ये मार्केट, अब ये मार्केट चल रहा है, ये कौन से ट्रेंड में चल रहा है अब, ये साइडवेज साइडवेज। में अब इसमें रेजिस्टेंस कौन सा हुआ, ऊपर वाला, ये ये ऊपर हुआ वाला रेजिस्टेंस होगा, गोल्ड रेजिस्टेंस, सपोर्ट। हाँ नीचे वाला सपोर्ट सपोर्ट। सब। ठीक है, अब ये मार्केट कौन सी वेव, कौन से ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में, अप अप ट्रेंड ट्रेंड, में ये। अप ट्रेंड में। ये क्या हाँ हुआ, ये हुआ सपोर्ट। अच्छा ये सपोर्ट होगा, ये क्या हुआ, रेजिस्टर रेजिस्टेंस है ना। मार्केट अब ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। ये क्या हुआ, यहां तक क्लियर। अब इसमें जैसे मार्केट चल रहा है अप ट्रेंड में, है ना। अब इसमें हम कैसे पता लगाएंगे, अब ये सपोर्ट बनेगा यहाँ पे, कैसे पता लगाएंगे, अब सपोर्ट कहाँ पे ले सकता है मार्केट। इसको पता लगाएंगे मतलब, क्योंकि इसमें ना एक सपोर्ट ये यहाँ पे लिया है, दूसरा सपोर्ट ये लिया है, थर्ड ये लिया है, फोर्थ, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे नेक्स्ट सपोर्ट हायर हायर बना रहा है ना, तो उसके उसके हिसाब से सपोर्ट बनेगा ना नीचे कैसे वाले बनेगा, आप मुझे बताओ। का। देखो अभी इसने क्या किया, पहले यहाँ तक आया मार्केट, यहाँ से निकला, हाँ यहाँ तक आया, फिर मतलब ये यहाँ पे हाई बन गया, इससे ऊपर ये हाई बना ना, फिर नहीं, नीचे मैं आके हाई की, देखो हाई की तो हमको पता नहीं है कहाँ पे बनेगा नेक्स्ट हाई, है ना, पर ये हाँ तो पता है हाँ ना सपोर्ट कहाँ पे बनेगा। तो कैसे उस दिन सपोर्ट। बताए, हाँ आप बताओ, नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा सर, आप क्या बोल रहे हो। मैं दोबारा से, जैसे मार्केट चल रहा है अप ट्रेंड में, है ना, हायर हाई बनाते जा रहा है मार्केट, है ना। अब हमको ये कैसे पता चलेगा सपोर्ट कहाँ पे लेगा, हाई का तो बता ही नहीं सकते हम, है ना, पर सपोर्ट तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्यूरेट नहीं कर पाएंगे, पर थोड़ा बहुत कर सकते हैं ना, 70-80% कहाँ पे लेगा। ये पिछले वाले लो से ऊपर ही लेगा, ये तो पक्का हो जाएगा ना। हाँ, तो इसमें क्या करेंगे हम, नीचे से लाइन ड्रॉ करेंगे, उस दिन बताया नहीं था क्लास में, लेने आया समझ में। अब जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है, अब नया लो बनाएगा, अब इसमें हमको कहाँ देखना है रजिस्ट, सपोर्ट कैसे देखेंगे, ऐसे, है ना, पर इसको डाउन ट्रेंड में क्या बोलते हैं, रजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। है ना। हमेशा मार्केट का ट्रेंड अप है तो क्या देखना है हमको, सपोर्ट, ये मैंने उस दिन बताया था, मैं फिर भी दोबारा बता दे रहा हूं,
अप ट्रेंड में क्या देखना है, हमेशा हमको सपोर्ट सपोर्ट से ही बाई करना है। डाउन ट्रेंड में क्या देखना है, हमेशा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। हमेशा डाउन ट्रेंड में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है ऑप्शन बायर को, और अप ट्रेंड में क्या देखना है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी। ये क्लियर हुआ? मतलब ठीक डाउन ट्रेंड में पुट बाय करना है है, और अप हाँ ट्रेंड में कॉल बाय बाय करना है। कॉल बाय करना है। ठीक है, साइडवेज में कुछ भी नहीं करने का, शांति से साइडवेज बैठने में का। शांति से बैठने का, हाँ नहीं तो फिर नहीं बैठेंगे नहीं तो तो फिर जो पैसे डीके। हो डीके डीके होगा हो जाएगी, और मार्केट कहीं भी नहीं जाएगा, मतलब पर लॉस होता रहेगा। लॉस होता रहेगा कंटिन्यू। ठीक है, ये क्लियर हुआ? आप पहले तो मार्केट का ट्रेंड कैसे देखते हैं, सबसे पहले हमको मार्केट में आने से पहले क्या देखना है, मार्केट का डेली टाइम फ्रेम पे ये दिख रहा है, मार्केट की कैंडल वन डे पे देखनी है हमेशा हमको। जब भी हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो सबसे पहले हमको मार्केट देखना है, ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड है अभी, है ना। अब ये ऊपर से रिजेक्शन आया है, मार्केट का ट्रेंड तो अप है, पहले भी ऊपर गया था ना, ट्रेंड अप है, नीचे प्रॉफिट बुकिंग हुई है ना, ये ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है, ये ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है, ये ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है, ये ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड है, ये ट्रेंड कौन सा है। ठीक है, ये ट्रेंड कौन सा है, साइडवेज साइडवेज, साइडवेज ये ट्रेंड कौन सा है। जब भी हम मार्केट में आएंगे सबसे पहले हमको ट्रेंड देखना है। अब ये मार्केट एक रेंज में है, जैसे ये रेंज है तो ये साइडवेज है, ये मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा कि ये वो। अब जैसे ही जैसे मार्केट ने ये रेंज बना दी, वन डे की कैंडल, टू डे, थ्री डे, फोर डे, जैसे रेंज का ब्रेकआउट हुआ डेली टाइम फ्रेम पे, कैंडल अपसाइड में क्लोज हुई तो ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड हो गया। अब मार्केट में हमेशा कॉल की तरफ देखना, हमेशा सपोर्ट पे से बाई करना है। अब मार्केट का ट्रेंड अप होगा जब तक चलेगा, ठीक है। अब ये मार्केट साइडवेज है, जैसे ही डाउन ट्रेंड में डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज होती है तो क्या हो गया, डाउन ट्रेंड, हमेशा डाउन रेजिस्टेंस पे सेल करने की अपॉर्चुनिटी देखनी। मतलब आप ये बोल रहे हैं जो मार्केट ये रेंज में है, सॉरी है 1 मिनट, ये रेंज में है मार्केट, ये समझो ये रेंज में है अभी, इसमें अगर होगा तो वो स्पीड अगर घूम रहा होगा तो वैसे कैंडल बनाता होगा तो वो साइड वेज घूम जाएगा, इसमें हाँ, क्या एक होगा रेंज में बनाएगा तो हाँ, जैसे, और उसमें यहाँ से तो यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ से ऊपर गया ऐसा, मतलब ये पॉइंट से ऊपर हाँ जा रहा है ऊपर की तरफ, तो फिर ये वाली देखिए वो ये वेट कर रहा है अप ट्रेंड हो गया, ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड पिछली में, डाउन कैंडल ट्रेंड में आने के का, बाद यहाँ पिछली कैंडल का मार्केट ने हाई निकाला है, हाई ब्रेक किया है तो ट्रेंड अप हो गया है ना। हाँ, पिछली कैंडल का मतलब ये मार्केट बड़ी ने, कैंडल बड़ी, नहीं नहीं मेरा क्वेश्चन क्या है सर, हाँ मतलब बताओ, आप ये बोलो। बड़ी कैंडल है ना, ये जो बड़ी कैंडल दिख रही है आपको ये और हाँ ये कैंडल के अगर इसके ये ऊपर तो ब्रेक नहीं, करने लगा तो आप ट्रेंड में आएगा ना। देखो ये तो अप ट्रेंड हो ही गया यहाँ से, है ना, ये अप ट्रेंड में था। देखो ये पिछली कैंडल का हाई इसने ब्रेक किया, इस कैंडल का हाई, इस वाली हाँ वही कैंडल बोल में रहा हूँ मतलब इसका, ये इसने ब्रेक किया। अब हाँ ये इलेक्शन की वो आई थी ना, इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, यहाँ पे ये गैप अप हो गया और फिर हाँ मार्केट ऊपर गया। अब ये मार्केट फिर गैप अप ओपन हुआ, कल भी ऊपर गया था, इसके हाई को निकाला था है ना, फिर ये सेलिंग आ गई हाँ इसमें, फिर ये दूसरे दिन यहाँ पे
फिर भी ये पावरफुल कैंडल नहीं थी, ग्रीन कैंडल थी, बायर के कंट्रोल में थी, है ना। तो मार्केट फिर बायर हैवी थे, फिर ऊपर ले गए, फिर आज भी ऊपर ले गए, फिर नीचे लेके आए। अभी ट्रेंड अप ही है, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन आया है। ऊपर से रिजेक्शन आया है। ये हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? ये तो हुआ। अब देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकाल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमको करना है क्या, यहाँ पे देखेंगे हम तो कौन सा ट्रेंड दिख रहा है हमको। यहाँ पे ये जो दिख रहा है वो, ये कौन सा ट्रेंड दिख रहा है हमको, यहाँ हाँ से सर, ये कौन सा ट्रेंड दिख रहा है हमको। मैं बोलू हाँ बोलो। ये हायर हाई बना है सर, वहां पे अप ट्रेंड शो हो रहा अप है ट्रेंड ना, दिख रहा तो यहाँ पे हम है। हाँ ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन, है ना। ये वाला ट्रेंड कौन सा दिख रहा है, ये डाउन 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 ट्रेंड। ट्रेंड है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर से लाइन ड्रॉ करेंगे। अच्छा, यहाँ जब भी मार्केट इस पे आ रहा था, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, यहाँ जब भी आ रहा है सपोर्ट लेके नीचे आ रहा है। हमेशा जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, कम से कम 2 बार टेस्ट होना चाहिए ट्रेंड लाइन, जब हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 2 बार टच हो रही है कम से कम। ठीक है, ये वाला मार्केट कौन सा है, ये वाला मार्केट कौन सा है, ये तो साइडवेज है, साइडवेज ये साइडवेज मार्केट है आज का सेकंड हाफ। ये दोपहर का सेकंड हाफ का पूरा साइडवेज मार्केट था आज का। ये क्लियर हुआ? अब एक क्वेश्चन और है, ये कौन बताएगा? ये ये मार्केट इसमें एक जोन में टाइम स्पेंड कर रहा है, ये कौन सा मार्केट हुआ? साइडवेज हुए है। यहाँ पे जब भी मार्केट यहाँ यहाँ पे आता है तो क्या होता है, शायद सपोर्ट लोग कॉल बाई कर लेते हैं हमेशा। जब भी यहाँ आ रहा है यहाँ पे क्या होता है, होता पुट बाई कर लेते हैं, या जिन्होंने कॉल बाई किया है वो है। प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और यहाँ पे आता है तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं जिन्होंने यहाँ पे पुट बाई कर रखा है, और यहाँ पे कॉल बाई कर लेते हैं, है ना। इस जोन को कौन सा जोन बोलते हैं, ये इस तो मतलब साइड साइड बेच ही है, लेकिन नहीं, उसमें ट्रेड लेते हैं जैसे मतलब। मार्केट यहाँ पे आ रहा है इसको क्या बोलेंगे हम, ये अभी तो फिलहाल वैसे नजर से बोलेंगे तो फिर ये अप जोन, ट्रेंड में है, इसको एक जोन में बोलेंगे है पर्टिकुलर डिमांड डिमांड जोन। सप्लाई। जब भी मार्केट आ रहा है यहां से मार्केट में डिमांड आ जाती है, लोग बाय कर लेते हाँ हैं। जब भी मार्केट ऊपर आ रहा है यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे सप्लाई आ जाती है। सप्लाई ये समझ में आया? होना। क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्लास है, एक दिन में खत्म नहीं होती है ना। इंट्राडे में कैसे काम करती है, अब जैसे हमको कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो अब कैसे निकालेंगे। तो मतलब ये इंट्राडे में और ऑप्शन फ्यूचर में सब में
अलग काम करती है? नहीं, सब में अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से काम करती है, वो सबके टॉपिक अलग हैं, वो आगे वाली क्लास में होगा। अब यहाँ पे ऐसे क्या? सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो ऐसे ही ड्रॉ करते होंगे ना हाँ सब? हाँ सब में एक जैसे, इंट्राडे के लिए अलग होते हैं, डेली टाइम फ्रेम के लिए अलग होते हैं। अब यहाँ पे हमको सपोर्ट क्या दिख रहा है, मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे है, रेजिस्टेंस तो हमको दिख नहीं रहा है ना, अभी आपको दिखेगा नहीं, हाँ रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई पे है। तो मार्केट तो ये ऑल टाइम हाई पे कब कहाँ पे नॉन ट्रेडिंग जोन होता है, क्या होता है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी हमको यहाँ पे क्या दिखेगा, ओनली सपोर्ट दिखेगा। अब सपोर्ट कैसे दिखेगा कोई बताएगा मुझे? मैं बोलू, बोलो। मतलब सपोर्ट कैसे दिखाएगा कि पिछली बार वहां से मार्केट वहां पे जाके आया है, मतलब वहां से ऊपर उठा है, वो सपोर्ट देखेंगे अपन। हाँ तो अभी हमको क्या दिख रहा है, ये सपोर्ट दिख रहा है एक, तो देखो यहां से उठा है ना, हाँ लास्ट स्विंग लो हाई होते हैं ना, लास्ट स्विंग होते हैं जो स्विंग वो होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, स्विंग होते हैं ना पिछले। अब ये नहीं कि ये स्विंग हमको दिख रहा है तो मार्केट यहीं यहीं से लौटेगा है ना, ये दिख रहा है तो यहीं से लौटेगा, ऐसा नहीं, मार्केट यहां से भी रिवर्ट हो जाएगा और मार्केट यहाँ आएगा यहां से भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि एक्यूरेट आएगा, ये हमको पता रहती है कि मार्केट यहाँ पे आ रहा है, ये जोन है, तो हमको यहाँ पे हमने पुट बाई कर रखा है, सेल कर रखा है ना, तो हम पहले ही हमको पता है कि हमको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करनी है, तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार रहते हैं कि मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ कुछ दिखता है तो हमको प्रॉफिट बुक करना है। आया समझ में? आप तो ग्राहक के प्रॉपर नहीं आ रहे। प्रॉपर आएगा अभी। अब यहाँ पे देखो ये इस मार्केट में आपको यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे? एक तो मेरा ये फोन में पता नहीं काम ही नहीं कर रहा है, वरना मैं बताती आपको ड्रॉ करके। नहीं, आपके फोन में भी काम कर रहा है लेकिन आप प्रॉपर नहीं हो, मतलब ये नहीं हो रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे तो। अभी बता देंगे, वो क्लास के बाद बता देंगे आपको है ना कैसे काम करता है ना फोन में। अब ये बताओ जैसे ये मार्केट हो गया, आज यहाँ पे खत्म हो गया है ना, अब ये मार्केट हमको पता नहीं है, ये वाला मार्केट हमको पता नहीं है, ये वाला मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया, अब यहाँ पे हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? जहाँ पे क्लोज हुआ है वो, मतलब ये रजिस्टर्स वाला है ना उसको क्लोज, सॉरी हाँ जहाँ पे क्लोज हुआ है वो कर वो सपोर्ट मानेंगे कल ये के दिन। हमको लास्ट लो क्या दिख रहा है, ये सपोर्ट दिख रहा है अगर मार्केट नीचे, एक ये दिख रहा है हमको स्विंग है ना। अब देखो यहाँ पे हमको कुछ नहीं पता था, मार्केट यहाँ आया यहाँ से लौट गया है ना, अब हमको रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है, फर्स्ट रेजिस्टेंस ये एक जोन दिख रहा है ना, ये रहा यहाँ पे आया था, फिर यहाँ से देखो यहाँ आया मार्केट, यहाँ आया यहाँ से सेल कर दिया, फिर यहाँ आया यहाँ से सेल कर दिया, यहाँ से सेल कर दिया, यहाँ से सेल कर दिया, अब यहाँ आया मार्केट, ये रहा ठीक है, यहाँ से फिर बाई कर लिया, यहाँ से फिर सेल किया, यहाँ दोबारा, अब ये जो यहाँ से सेल नहीं किया, अब ये जो रेजिस्टेंस था अब ऊपर गया, तो क्या काम कर रहा है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है ना। अब रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, ये है, यहाँ तक नहीं गया, फिर यहाँ से सेल हो गया, अब ये दिख रहा है। लास्ट स्विंग दिख रहा है ना आपको, हाँ ठीक है। अब जैसे अब आपको कुछ भी नहीं पता, अब आप बिल्कुल ही बिगनर हो है ना, स्विंग निकालना ही नहीं जानते हो, तो आपको क्या करना है, जैसे ये वाला मार्केट है आज का है ना, तो आज आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, तो कल का हाई, पहले सबसे पहले कल का हाई मार्क करना है हमको, लास्ट डे का हाई, लास्ट डे का ये कौन सी डेट है, एट, एट का लो,
लो कौन सा ही है? ये 8 का है लो, और क्लोज क्लोज हुआ है यहां पे। अब ये ऑटोमेटिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। यहां पे मार्केट ओपन हुआ है ना, मार्केट यहीं से ऊपर चला गया, फिर यहीं पे आया, यहीं सपोर्ट लिया, फिर यहां से ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर यहीं से ऊपर गया, यहां से सेलिंग की, फिर फर्स्ट टारगेट हमारे लिए क्या हुआ, ये सपोर्ट है ना, फिर मार्केट यहीं पे टाइम स्पेंड करता रहा। ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस हो गया यहाँ हाँ, अब ये ऊपर वाला अब रेजिस्टेंस है ना, ये स्विंग ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे। आया समझ में? पे। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ये आप लिख लेना एक बार। लास्ट डे मार्क क्या करना है, लास्ट डे हाई क्लोज लो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो ये मार्क कर लो है ना, तो ये ऑटोमेटिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ये समझ में आया? अब ये चलो ये टेस्ट करते हैं, हम निफ्टी में टेस्ट करके देखते हैं काम करता है कि नहीं, लास्ट डे का ओपन हाई क्लोज। ठीक है, अब ये है 11, अब 8 का मार्क करते हैं है ना, 8 का हाई ये हो गया, लो लो ये हो गया, और क्लोज यही है लास्ट, ये हो गया क्लोज। अब देखो मार्केट नी यहां पे ओपन हुआ, ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस का काम किया, ये रेजिस्टेंस का काम किया, फिर नीचे से आया, ये सपोर्ट का काम किया है, फिर ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, और फिर नीचे आया, फिर ये सपोर्ट का काम किया, फिर ये रेजिस्टेंस का काम किया, फिर ये सपोर्ट का काम किया है, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, फिर जैसे ही हैमर कैंडल बन गई है ना, फिर ये यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, सपोर्ट का काम किया है, फिर सपोर्ट लिया है, ऊपर गया है, ये रेजिस्टेंस। आया समझ में? मतलब जो हाई लो और क्लोज है वही, मतलब वो उसमें ही रेजिस्टेंस अगले दिन का रेजिस्टेंस, और वो उसमें ड्रा होता है, ऑटोमेटिक ड्रा होता है वो लाइट किस डे के बाद। हाँ, ये ज्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होता तो ये एक्यूरेट काम करते हैं। हाँ, हमेशा ये ड्रॉ करके चलो। ये तो देखो अभी फर्स्ट क्लास है आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो मैंने ये एक सिंपल वे में समझाया है। फिर इंट्राडे में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करती है, कब फेल हो जाते हैं, वो सारे अभी टॉपिक्स। एक हफ्ते चलेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्लास, अभी ये बेसिक है, कब कहाँ पे ट्रेड लेना है, कैसे लेना है, किस रेंज में कितनी क्वांटिटी क्या करना होता है, वो सारा क्लियर होगा, अभी टाइम लगेगा इसमें। मार्केट जहाँ से ऊपर जाता है वो सपोर्ट, और जहाँ से धड़क ये मतलब धड़क के नीचे आता है, मतलब वहां से टकरा के आता है नीचे, वो रेजिस्टेंस होगा, जहाँ पे हाँ, टकराता है वो रेजिस्टेंस। मार्केट वहां से ऊपर जा रहा है वो हो रेजिस्टेंस गया सपोर्ट, मार्केट वहां से नीचे आ रहा है वो हो गया रेजिस्टेंस। इसमें कोई डाउट? नहीं, इसमें कोई डाउट।